अहमद जलाल अलदीन पाशा, वक्त आ गया है जैसा हमने कहा है वैसा करें, जो हुक्म मेरे खान शेवनाज खानम। हमें फवाद आफंदी और आपकी मिली भगत पर शक था, आप वो औरत थी जो सिफारत कानून साजी से वाकिफ थी। हमने आज तक बर्दाश्त किया क्योंकि हमारे पास शवाहिद नहीं थे, यही वजह कि हमने अब तक आपकी गद्दारी पर अमल का मुजाहिरा नहीं। अब आपको अपनी गद्दारी की कीमत अदा करना होगी। और आप जनाब रोत चलड़ा, आप इस नेफवा पर यकीन किया कि हर शख्स आजादाना महल में दाखिल हो सकता है? अगर कोई हमारे अरद गर्द बुरी नीतों के साथ घूम रहा है तो इसकी वजह यह है कि हम इनको इसकी इजाजत देते हैं। मेरे सुल्तान, सुने, आपने शेवनाज को मुनहिल में भेजा, जैसा कि आपको लगा कि ये महल खुले संदूक की तरह है जिसे राजों से भरा गया है, लेकिन हमने मंसूबा तरतीब दिया, लाइब्रेरिया से जाली कागजात उठा कर ले गई। अगर आप अपना वक्त साबिका नाइन को ढूंढने पर खर्च करते जो कि आप ने दस्तावेजात को हासिल करने में खर्च किया जो कि आपके हाथ में नहीं है, तो आप इन्हें किसी हद तक ढूंढने में कामयाब हो सकते थे। आप इस तरह रहेंगे जब तक कि आप मर ना जाओ, क्योंकि आप जिंदगी को जुआ खते ही एक जवारी जो हार जाता है, एक बार जब वो बैठ जाता है और दूसरे के मुश्किलात में पड़ने का इंतजार करता है। यही फर्क है हम में, आपके जुए ने आपकी बेटी को खतरे में डाल दिया। एक जवारी जो अलिफ हार जाता है, एक बार जब वो बैठ जाता है और दूसरे के मुश्किलात में पड़ने का इंतजार करता है, और जुए खाना का मालिक हमेशा जीतता है। सुल्तान अबद अल हमीद खान, मैं जुए खाना का मालिक हूँ, और वो शुरू सीन ही बार रहा है। बर्तानिया इनका हिसाब लेने आ रहा है। आई आई, क्या तुमने इस बारे में नहीं सोचा? वह मैबरे क्या होगा अगर अबदाल हमीद इस जगह को तलाश करते? मैं अपने वकील का आपसे तारुफ कराता हूँ, मैं हर चीज के बारे में सोचता हूँ। कारासू कहता है कि मैं समझ गया, एक अहमद जलाल दीन पाशा, ये उस कमांडर का खुद है जिसने वियना में जंग लड़ी। मुअर्रिखीन कहते हैं कि उस्मानी फौज दी वियना में दाखिल नहीं हो सकी थी, लेकिन हमारे कुछ खास जनगजू वियना में चले गए और कुछ जगहों का कंट्रोल संभाल लिया, और ये खुद हेलमेट ताल्लुक रखता है। इनमें से एक जांबाज जनाब कलनद रईसा है, ये इस बहादुर जनगजू से ताल्लुक रखता है जिसने वियना की फतह का ख्वाब देखा जबकि वियनान की शख्सियत बदल रही थी। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें शिकस्त देना चाहते हैं। आपको ये फर्ज तफवीज किया जाता है कि आप फतह का ख्वाब देखेंगे और फतह की खबर लाएंगे जबकि वो हमें शिकस्त देना चाहते हैं। जो हुक्म मेरे सुल्तान, आपका फर्ज असमी दर्ज है अहमद जलाल अलदीन पाशा। आपकी जदोजहद मुबारक हो, सफर आसान हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हमने इन्हें खास फर्ज तफवीज किया है। मेरे सुल्तान, वकील जो आपको मालूमात देता था, इसने क्यों छुपाया? वो आदमी कौन है? हम इसे नहीं जानते, लेकिन वो आपके बारे में भी जराइद भेज रहा था। इसने भेजे होंगे मेरे सुल्तान, मुझे अब पछतावा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह है कि वकील हमारे दुश्मनों में से एक बनकर खत्म हो सकता है पाशा। इसकी एक वजह यह भी है कि वो हमें अकेले में मिलना चाहता था। तुम किसी कसम के सफाक आदमी हो जिसने बचे कैसा थे बम बांधा हुआ है। मैं मर जाऊं गायावा हासिल करूं का जुमी चाहता हूं। मैं हैकल सुलेमानी का नक्शा हासिल करना चाहता हूं। ये आदमी जो चाहता है से दे दोखलील खालिद यातिम सब मरुगे। चाबियां दे इस्माइल हक्की साहिब। क्या सबब है कि वो इस नक्शा को इस कदर चाहते हैं? कुछ यहूदी फिर से हैकल सुलेमानी को तमीर करना चाहते हैं। और किया, ये नक्शा जाहिर करता है कि हैकल कहाँ है। क्या हैकल सुलेमानी मस्जिद इफ्सी में है? इस मकसद की वजह से वो मस्जिद अकसा को शहीद करना चाहते हैं। अगर इन्होंने इस नक्शे को हासिल कर लिया तो वो क़यामत तक हमारे क़िबला अव्वल को शहीद करने की कोशिश करेंगे। हम नक्शा देंगे, खलील खालिद नक्शा इस गुंडे को देते हैं। इसे कहते ही बच्चे को छोड़ दो, इतने लो और जाओ। जुरस कहता है ये शख्स पाया तख्त को छोड़ने तक सानदर को नहीं छोड़ेगा। जनाब रत शलट, बरतानवी वजीर
खारिजा आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। रथ शलट इसे कहते हैं। ये हैरान किन है, क्या पैसे शहर में आए हैं, जिस पर बहुत जल्द बमबारी की जाएगी। सफीर पूछता है क्या है के सच है क्या बदारहमीद अपने कैद खाने में लोगों को मार रहा है। रथ शलट जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जिंदा हैं। सफीर कहता है कि जब तक आप इसे साबित नहीं करेंगे कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन एक रास्ता है इसे रोकने का। एडमिरल मेले बरतानवी जहाजों का कंट्रोल संभाल रहा है, वो कुछ अलते दिमाग का आदमी है, अगर आप इसे फाइल कर लें तो वो जहानों को वापस ले जा सकता है। इसके लिए मुश्किल नहीं होगा, वह कोई तकनीकी खराबी की वजह बताकर मजरत कर सकता है। रथ शलट साम को कहता है एक टेलीग्राम एडमिरल को भेजो, इसे बताओ कि मैं जहाज पर सवार तमाम हमले को खरीदना चाहता हूँ और इन्हें ला महदूद रकम पेश करना चाहता हूँ, वो सिर्फ कीमत बताएं और वापस चले जाएं। मेरे सुल्तान बरतानवी बहरिया के जहाज पैराबंदरगाह के करीब नहीं है जहाज और 8 लड़ाका जहाज, एडमिरल का किया नाम है, एडमिरल के साथ कितने फौजी सवार हैं, हमने अंदाजा लगाया है 1500 फौजी होंगे। मेरे सुल्तान मुझे लगता है कि वो बमबारी से कुछ ज्यादा चाहते हैं और इनका मंसूबा हमल का भी है कमांडर। हमें रोत चानद की तरफ से एक टेलीग्राम मौसूल हुआ है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स जी वही वो हमले समेत जहाज को खरीदना चाहता है और बदले में वो चाहता है कि छापे घर की नकल व हरकत के वापस चले जाएं। उसे कहो कि इन जहाजों का ताल्लुक बरतानिया से है और इसकी दौलत बेमानी है। टेलीग्राम कहाँ से आया है? पतनियत में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मेरी बेटी के साथ किया गया बताओ मुझे, मैंने इसे बताया तो था, क्या इसने तुम्हें नहीं बताया? मैं नैसनी जहर इंजेक्ट कर दिया है और वो जहर इसे 24 घंटों में मार देगा अगर वो इसका तर्याक नहीं लेती है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी वरना मैं तुम्हें तर्याक का नहीं बताऊंगी। अगर मीर की बेटी के साथ कुछ होता है तो मैं जो कि एक मुखी को भी नुकसान नहीं पियाना चाहती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। वेजियो पूछता है कि जहाज आ गया है, असल में हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जनाब, वो बहुत जल्द इस जगह को भी तलाश कर लेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। जब वो इन्हें शहर में तलाश कर रहे हैं तो हम अंडर ग्रेविनेट हो जाएंगे, मैंने जरूरी एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। अगर हम पाया तख्त से ना भी निकल सके और यही नक्शा चला जाएगा। चचवा ये जानता है कि अगर वो यहाँ रुका तो पकड़ा जाएगा, वह कहाँ जा सकता है जनाब, लेकिन डॉक्टर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका तर्याक तलाश करेंगे और आपको देंगे, अगर वो आपको बचा लेंगे अनशाला, ये उसका पहला झूठ नहीं है। मेरे सुल्तान शेवनाज जानती है कि आप नईमा से प्यार करते हैं, इसलिए इसने इस गंदे खेल को सर अंजाम दे, हम इसके खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरी सुल्तान, मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी दे सकता हूँ, जैसा कि आप जानती हैं मैं कुर्बानी के लिए इंसाफ को नहीं बदल सकता। मेरे सुल्तान, मैं जोर दूंगा कि अकेले मत जाएं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है पाशा, मुझे इसे हल करना होगा, वो पहले ही बात करना चाहता है। पाशा, शिद्दत दिखाने की कोई जरूरत नहीं तो फिर किसी मकाम तक मुझे अपने साथ आने की इजाज़त दे दे, इन्होंने तुम्हारे साथ किया तुम ऐसे फूल की तरह मुरझाई हुई हो जिस तक सूरज की रोशनी ना पहुंची हो। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रहूंगी, मैंने अब्दुल हमीद से तुम्हें आजाद करने के लिए बात की है। सुल्तान पूछते हैं बरतानवी फौज कब तक चनाब किला तक पहुंच जाएगी? 24 घंटों में हमें अंग्रेजों को कुछ देर रोकने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। हमें एडमिरल मिलने के बारे में और मालूमात जानना होगी, क्या इसकी कोई कमजोरी कोई जनों नहीं है? एडमिरल मसले अफसानों के बारे में दिलचस्पी रखता है पाशा, आप यहाँ इंतजार करें। मेरे सुल्तान, में एक और बार कहना चाहूँगा, जो हुक्म आपका मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आस के साथ आना चाहूँगा, जो होना है वो होकर रहेगा, होना है वो मैं जानता हूँ।
क्या आप एक माहिर निशानाबाज नहीं, आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, मैं आपकी हिफाजत के लिए नहीं आना चाहता। तेसीम कौन है जो आपकी हिफाजत करे, तो फिर आप क्यों आना चाहते हैं मेरे सुल्तान में, हमारी लड़ाई में उठाए जाने वाले हर कदम पर आपके साथ होना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ भी हूँ तो भी आप मेरे साथ हैं। पाशा बिन कसमती, मेरे सुल्तान तारीफ की किताबें आपके बारे में इस बात का जिक्र करें कि जिसने महल नहीं छोड़ा फिर सुल्तान चले जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है, और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।